हेलो फ्रेंड्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल के कुछ फॉर्मूला हैं। सर्कल ऐसे होती है इसकी फिगर कुछ। इसकी रेडियस को लेट कर लेते हैं स्मॉल आर से, तो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी पाई और आर। ऐसे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। अब बात करेंगे सर्कल के अलावा सिलेंडर की। इसकी फिगर कुछ ऐसे बनती है आपके पास। इसकी रेडियस को फिर से स्मॉल आर से लेट कर लेंगे और जो हाइट है उसको स्मॉल एच से मान लेंगे हम। अब जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया को सी एस ए से लिख दिया हमने। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में सारे का एरिया फाइंड आउट करना होता है। फॉर्मूला होगा 2 पाई स्मॉल आर और आर प्लस एच, क्योंकि आपको ऊपर और नीचे सबका एरिया फाइंड आउट करना होता है। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे? पाई आर स्क्वेयर एच, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के। अब इसके बाद कॉन के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। कॉन कॉन को हम ऐसे बनाते हैं। इसमें रेडियस को वही स्मॉल आर से, ये इसकी हाइट हो गई एच, और जो ये साइड में बची है इसको एल से डिनोट करते हैं। एल आपके पास होता है स्लैट हाइट। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर एल करके, और टोटल सरफेस एरिया निकलेगा आपके पास पाई आर आर प्लस एल करके। अब एल का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। एल का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। और इसके बाद इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगी? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच करके इसकी वॉल्यूम निकल आएगी। कोन के बाद हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर आपके पास कुछ ऐसा ही होगा। होगा तो ये एक सर्कल के जैसा ही, लेकिन ये पूरा अंदर से फील होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्फीयर। इसका कर्व सरफेस एरिया आपके पास निकलेगा 4 पाई आर स्क्वेयर करके। वही टोटल सरफेस एरिया भी आपके पास ऐसे ही निकलेगा इसका 4 पाई आर स्क्वेयर करके। अब इसकी वॉल्यूम है जो, वो निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर का मतलब है जो आप स्फीयर लिया है उसका हाफ हो जाएगा। जब स्फीयर का हाफ हो गया तो मतलब कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ कर देंगे तो आपके पास 2 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में भी 2 पाई आर स्क्वेयर होगा और वॉल्यूम में भी आप वॉल्यूम का हाफ कर देंगे, वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला देखने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।